नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 8 मई दिन सोमवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिन भर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अजीत पवार ने बताई शरद पवार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आने की वजह। सीएम नीतीश के मुंबई दौरे पर शरद पवार ने कही ये बात। जमीन के बदले नौकरी मामले में सीबीआई ने मांगा समय, अब 1 जून को होगी सुनवाई। राज्यपाल से मुलाकात के बाद सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश पर कसा तंज। लोकसभा चुनाव में इन 5 प्रदेशों पर रहेगी सीएम नीतीश की नजर। अब चले बढ़ते हैं प्रदेश और देश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम को बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में आने का मिला न्योता। अब कुछ समय ही बचे हैं धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आगमन में। उनके आगमन को लेकर राजनीतिक दलों के बीच खूब बहसबाजी भी देखने को मिल रही है, जहाँ एक तरफ बिहार सरकार में मौजूद कुछ मंत्री और राजद के तरफ से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कई नेता उनके समर्थन में बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। अब इसी कड़ी में यह खबर सामने आई है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में आयोजकों की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में 14 मई को शामिल होने वाले हैं। इस कार्यक्रम में वे भजन भी गाने वाले हैं। आयोजक द्वारा यह भी बताया गया है कि इस कार्यक्रम में उन्होंने बिहार के लगभग हर नेताओं को आमंत्रण दिया है, चाहे वो किसी भी दल का हो। अजीत पवार ने बताई शरद पवार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आने की वजह। एनसीपी अब राहत की सांस ले रही है, जब से शरद पवार अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए राजी हो गए हैं। लेकिन कहीं न कहीं एनसीपी में अजीत पवार को लेकर अटकलें जारी है। जब शरद पवार अपने इस्तीफे की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे, उस वक्त पार्टी के कई बड़े लोग शामिल थे, लेकिन अजीत पवार ने इससे दूरी बनाई रखी। जब अजीत पवार से इसकी वजह पूछी गई, तो उन्होंने इसके जवाब में कहा कि शरद पवार के निर्देश पर कुछ सीनियर लोगों ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। मैं इसलिए नहीं था, क्योंकि कुछ वरिष्ठ लोगों को ही बोला गया था। आगे उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुर्सियां भी कम थी, मीडिया द्वारा बेवजह कहानियां चलाई जा रही हैं। विपक्षी एकता की मुहिम को लेकर सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नवीन पटनायक की मुलाकात को लेकर सुशील कुमार मोदी ने विपक्षी एकता की मुहिम नीतीश पर हमला बोला है। दरअसल उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक न कभी विपक्षी एकता की मुहिम में शामिल हुए, न कभी उन्होंने राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा के लिए उड़ीसा के प्रति अपना समर्पण कम किया। उनसे नीतीश कुमार के मिलने जुलने का कोई असर नहीं होगा। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के समान दूरी रखने वाले नवीन पटनायक को बीजेपी विरोधी मुहिम में शामिल करने के शरद पवार और ममता बनर्जी के प्रयास जब सफल नहीं हुए, तब नीतीश कुमार भी कोशिश करके देख ले। ममता बनर्जी पहले ही पटनायक से मिल चुकी हैं। आगे उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजनीति में विपक्ष का नेता बनने के लिए शरद पवार, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार होड़ में लगे हुए हैं, जबकि अपने गृह राज्य में सबसे कमजोर जनाधार नीतीश कुमार का है। वहीं नीतीश कुमार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री यदि विपक्षी एकता के गैर सरकारी कार्य से यात्रा कर रहे हैं, तो उन्हें बिहार सरकार के संसाधनों का नहीं बल्कि महागठबंधन के फंड से विमान आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। स्वर्ण मंदिर के पास हुए विस्फोट पर नवजोत सिंह सिद्धू ने कही ये बात। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास हेरिटेज स्ट्रीट में एक रेस्टोरेंट में शनिवार रात विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के दौरान कई लोग घायल भी हुए, जिसे लेकर कई लोग दहशत में दिखे। इस मामले को लेकर पुलिस द्वारा खबर सामने आई है कि कोई आतंकी हमला नहीं बल्कि यह हादसा था। अब इस विस्फोट को लेकर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट किया है। अपने इस ट्वीट में नवजोत सिंह ने आम आदमी पार्टी को घेरते हुए लिखा है कि जिस जंग में राजा की जान को खतरा ना हो, उसे जंग नहीं राजनीति कहते हैं। 1200 सिक्योरिटी वालों के कवच में महफूज रहकर जब मोस्ट प्रोटेक्टेड मुख्यमंत्री मूक दर्शक बन के अपने राज्य में खुलेआम कत्ल, फिरौतियां और लूट होते देख रहा हो, तो पतन निश्चित है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा होता है। आगे सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने पूछा कि क्या वह पंजाब को बदनाम करने की और मुद्दों से भटकाने की साजिश है, या फिर सरकार अनाड़ी और नाकाबिल है। दोनों परिस्थितियों में हार पंजाब की है, दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएम नीतीश के मुंबई दौरे पर शरद पवार ने कही ये बात। 11 मई को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात करने वाले हैं, जिसके लिए वे मुंबई दौरे पर रहेंगे। वहीं इस संभावित मुलाकात को लेकर जब एनसीपी प्रमुख से सवाल किए गए, तो उन्होंने कहा कि मुझे संदेश मिले हैं कि नीतीश कुमार 11 मई को मुंबई आने वाले हैं, हम मिलेंगे, लेकिन अभी मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है। वहीं भाजपा को लेकर उन्होंने कहा कि हमारा दृष्टिकोण है कि देश में भाजपा के खिलाफ एक विकल्प की आवश्यकता है। आगे उन्होंने कहा कि जो लोग इसमें योगदान देना चाहते हैं, चाहे वो नीतीश हो या ममता बनर्जी, मेरे विचार से हम सभी को इसके लिए मिलकर काम करने की जरूरत है।
पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। बीते ही दिनों मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस को घेरते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनावी रैलियों के लिए अनुभवी नेताओं को ला रही थी क्योंकि वह डर गई थी। आगे उन्होंने कहा कि कर्नाटक ही नहीं, मैं बहुत दर्द के साथ पूरे देश को यह बताना चाहता हूं कि इस चुनाव में कांग्रेस का शाही परिवार कल कर्नाटक आया और कहा कि वे कर्नाटक की संप्रभुता की रक्षा करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने इसका मतलब बताया और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब कोई देश स्वतंत्र हो जाता है तो उस देश को एक संप्रभु देश कहा जाता है। कांग्रेस जो कह रही है उसका मतलब यह है कि कांग्रेस का मानना है कि कर्नाटक भारत से अलग है। जमीन के बदले नौकरी मामले में सीबीआई ने मांगा समय, अब 1 जून को होगी सुनवाई। आज सुबह मिशा भारती राउज एवेन्यू कोर्ट में जमीन के बदले नौकरी मामले को लेकर पहुंची थी। अब एक बार फिर से सप्लीमेंट्री चार्ज शीट दाखिल करने के लिए सीबीआई द्वारा कोर्ट से समय मांगा गया है। मिली जानकारी के अनुसार अब 1 जून को इस मामले को लेकर अगली सुनवाई होने वाली है। बता दें कि लालू यादव और राबड़ी देवी इस मामले को लेकर आज कोर्ट नहीं पहुंचे थे। वे सभी आरोपी जो इस मामले से जुड़े हुए थे उन्हें पहले ही जमानत दी जा चुकी है। पूरे परिवार से इस मामले को लेकर पूछताछ भी हो चुकी है। फिर राउज एवेन्यू कोर्ट में ही 29 मार्च को इस मामले में सुनवाई की गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपियों की चार्जशीट कॉपी देने को कहा था लेकिन इसके लिए 4 हफ्ते का वक्त सीबीआई ने कोर्ट से मांगा था। ऐसे में 8 मई को इस मामले पर अगली सुनवाई रखी गई थी जहां इस मामले को लेकर अब अगली सुनवाई 1 जून को की जानी है। पीएम मोदी के चुनावी नारे को देखकर शरद पवार ने जताई हैरानी। कर्नाटक चुनाव में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा धार्मिक नारे लगाए गए थे। अब उनके इस नारे पर मीडिया से बातचीत के दौरान शरद पवार ने हैरानी जताई है। दरअसल उन्होंने कहा है कि मैं हैरान हूं कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक नारे लगाए गए। अगर उन्होंने कहा कि जब आप चुनाव में किसी धर्म या धार्मिक मुद्दे को उठाते हैं तो इससे एक अलग तरह का माहौल बनता है और यह अच्छी बात नहीं है। वहीं लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की बात करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ते समय हम लोकतांत्रिक मूल्यों और धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेते हैं। राज्यपाल से मुलाकात के बाद सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश पर कसा तंज। बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें सम्राट चौधरी भी मौजूद थे उन्होंने आज बिहार के राज्यपाल से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद जब वे बिहार आए तो मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने नीतीश को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नीतीश कुमार इतना नाटक करने वाले सीएम है ये पूरी दुनिया जान रही है। वहीं जब मीडिया द्वारा सवाल किया गया कि नीतीश कुमार मुंबई और उड़ीसा जाने वाले हैं इस पर सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार अब बुजुर्ग हो गए हैं, बुजुर्ग व्यक्ति को ज्यादा तंग नहीं करना चाहिए, मुंबई जाकर नीतीश कुमार फिल्मिस्तान देखे। आगे उन्होंने कहा कि बिहार में तो फिल्मिस्तान बना नहीं इसलिए मुंबई जाकर घूमेंगे और फिल्मी दुनिया देखेंगे। अशोक गहलोत के आरोप पर बीजेपी नेता ने किया पलटवार। बीते ही दिनों राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक महंगाई राहत कैंप में शामिल हुए थे। इस दौरान उनके एक बयान से पूरी राजनीति गरमाई हुई है। दरअसल उन्होंने कहा है कि उस समय हमारे विधायकों को 10 से 20 करोड़ रुपए बांटे गए, यह पैसा अमित शाह को वापस लौटा दें। अगर आपने उनमें से कुछ खर्च भी कर दिया है तो मुझसे ले ले, लेकिन पैसे वापस कर दे। गहलोत द्वारा दिए गए इस बयान के बाद बीजेपी के तरफ से पलटवार देखने को मिला है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आपने देश के गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाए हैं तो कृपया यह भी बता ही दे कि सरकार भी आपकी, पुलिस पर नियंत्रण भी आपका, गृह मंत्री भी आपकी नजरों में आए, बिकाऊ विधायकों की सर्वाधिक जानकारी भी आपको, तो फिर देरी किस बात की। आगे उन्होंने लिखा कि 2 वर्ष गुजर जाने के बाद भी विधायकों की सूची जारी क्यों नहीं कर रहे हैं, किन विधायकों को कितने करोड़ रुपए मिले और कितने खर्च हुए इनका ब्यौरा भी आप लिए बैठे हैं, तो फिर तथाकथित बिकाऊ विधायकों के विरुद्ध पुलिस केस दर्ज करने में देरी क्यों। विजय कुमार सिन्हा ने लालू यादव को मोह माया छोड़ बागेश्वर बाबा का कथा सुनने की दी सलाह। धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आगमन को लेकर राजनीतिक दल एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। अब इसी बीच राजद सुप्रीमो लालू यादव को बीजेपी नेता ने आड़े हाथों लिया है। दरअसल विजय कुमार सिन्हा ने लालू यादव को नसीहत देते हुए कहा कि लालू जी और चौथे पन में आ गए हैं, सब मोह माया छोड़कर उन्हें बागेश्वर सरकार के दरबार में जाना चाहिए। आगे विजय कुमार सिन्हा ने उन्हें सुझाव देते हुए कहा कि लालू यादव बागेश्वर बाबा का प्रवचन सुने और भागवत भजन करते हुए अपना शेष जीवन व्यतीत करे। आगे उन्होंने कहा कि लालू यादव पार्टी के सबसे बड़े नेता है इसलिए संभव हो तो अपने अन्य नेताओं को शिक्षा दे कि संत महात्मा के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। लोकसभा चुनाव में इन 5 प्रदेशों पर रहेगी सीएम नीतीश की नजर।
विपक्षी एकता के मुहिम को लेकर अब झारखंड में भी सियासत गर्मा गई है। दरअसल झारखंड में कुल 14 सीटों में से 12 सीटों पर एनडीए का बोलबाला है। अब वहां मौजूद गैर भाजपा इसे तोड़ने के प्रयास में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक राहुल गांधी के मिलने के साथ ही बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीटों पर निशाना साधने में लगे हुए हैं। बता दें कि इन सभी प्रदेशों की सीटों को मिलकर कुल 183 सीटें हैं। इन 183 सीटों को लोकसभा के चुनाव में अपनी निर्णायक भूमिका के रूप में देखा जा रहा है। इसी को ध्यान में रखकर नीतीश कुमार के प्रतिनिधि के रूप में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। अब इसी पर बिहार के मुख्यमंत्री की सराहना करते हुए झामुमो और कांग्रेस ने कहा है कि इससे 2024 के चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने में मदद मिलेगी। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे ने कहा कि नेता कौन होगा यह बाद में तय होगा, मगर केंद्र की भाजपा सरकार को सबक सिखाने के लिए विपक्षी एकता का होना आवश्यक है, जिसके पक्षधर हेमंत सोरेन भी हैं। शशि थरूर के थोड़ा कूल रहिए वाले बयान पर एस जयशंकर ने किया पलटवार। अभी हाल में ही कांग्रेस नेता शशि थरूर ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को थोड़ा कूल रहने की सलाह देते हुए कहा था कि इतनी पतली चमड़ी का होना ठीक नहीं है, धैर्य के साथ चीजों को हैंडल करने की जरूरत है। दरअसल शशि थरूर का यह बयान तब सामने आया था जब जयशंकर पश्चिमी देशों की आलोचना करते हुए कह रहे थे कि दूसरे देशों के मामले में पश्चिम को टिप्पणी करने की खराब आदत है। अब शशि थरूर के इस बयान पर एस जयशंकर का पलटवार सामने आया है। शशि थरूर के सामने सवाल खड़े करते हुए उन्होंने पूछा है कि ब्रिटेन स्थित भारतीय दूतावास में लगे तिरंगे झंडे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई तो क्या आपका खून नहीं खौला? आगे उन्होंने कहा कि एक भारतीय होने के नाते अगर विश्व के किसी देश में तिरंगे का अपमान होगा तो क्या आप सहन कर पाएंगे? मैं तो बिल्कुल सहन नहीं कर सकता, मेरी स्किन पतली है और अगर आपके देश का कोई अपमान करता है तो सभी को ये बात बुरी लगना स्वाभाविक है। आतंकवाद के मुद्दे पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कर्नाटक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मणिपुर हिंसा मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि घृणा और हिंसा की राजनीति का परिणाम मणिपुर में सभी को दिख रहा है, मणिपुर जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मणिपुर में तनाव का कारण नफरत और हिंसा की राजनीति है। कांग्रेस की बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के मुताबिक राहुल गांधी के तरफ से कहा गया है कि पीएम मोदी को आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को सिखाने की कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने आतंकवाद के कारण 2 प्रधानमंत्रियों और हजारों कार्यकर्ताओं को खोया है। वहीं डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इस बार डबल इंजन चोरी हो गया है। पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कर्नाटक चुनाव को लेकर हर राजनीतिक पार्टी लगातार चुनाव के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी भी इस कड़ी में पीछे नहीं है, वे भी इस चुनाव को लेकर लगातार चुनावी रैली में उतर रहे हैं और रोड शो कर रहे हैं। उनके इसी रोड शो को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है, जहां उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी यहां आ रहे हैं और 2 दिनों के लिए रोड शो कर रहे हैं, यह संसद का चुनाव नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि कोई भी रोड शो के जरिए लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकता। वहीं ऑपरेशन लोटस के तहत कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले कर्नाटक के बीजेपी नेता के सुधाकर का भी उन्होंने जिक्र किया। अपने इस जिक्र में उन्होंने कहा कि उन्हें यह बताना होगा कि 18 विधायकों को मुंबई किसने भेजा और कर्नाटक में बीजेपी सरकार के गठन के लिए कौन जिम्मेदार था। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कुमार स्वामी द्वारा भी नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि उनके रोड के कारण लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल आज की राजनीति से जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन व्यूवर्स द्वारा हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया गया है उनके नाम है विनोद, बाबूलाल मरांडी, सुरेश ओरम, नंद कुमार सिंह, मोहम्मद सकीर हुसैन, रविशंकर, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, अनवर करीम खान, अंशु प्रिया। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, चुनावी रैलियों में धार्मिक नारे देना कितना सही है? आप न जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।